वेलकम एवरी वन, हेयर आर सम एम सी क्यूज ऑन इंग्लिश लिटरेचर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट. सबसे पहला इंग्लिश पोइट किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कार्डेमोन को. इनकी लिखी हुई कुछ हाइम्स थे, मतलब जो धर्म से रिलेटेड कुछ पोइट्री होती है वो, तो वो अब आज अवेलेबल नहीं है. हु इज़ द ऑथर ऑफ एक्लिसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल. एक्लिसियास्टिकल हिस्ट्री मतलब धर्म से रिलेटेड, बाइबल से रिलेटेड, जो इंग्लिश का जो धर्म था उससे रिलेटेड जो पोइट्री लिखी थी वो लिखी थी बीड ने. नेम ऑफ द एंग्लो सैक्सन एपिक बियोल्फ. ये सबको पता है कि एंग्लो सैक्सन का एकमात्र जो एपिक था बचा, जो अवेलेबल है, वो बियोल्फ है. द हंड्रेड ईयर्स ऑफ वार बिटवीन, ये एक वार्स की सीरीज थी जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चली थी मोर देन 100 ईयर्स. इन विच ईयर द पीजेंट रिवोल्ट हैपन्ड, 1381 में. ये 64 के टाइम में हुआ था ये रिवोल्ट, 1381 में, जब चौसर ने ये कैंटरबरी टेल्स लिखी थी जिस पीरियड में, ये उस पीरियड की बात है. हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन. पियर्स प्लोमैन का जो ऑथर है वो है विलियम लैंगलैंड. ये भी चौसर का ही कंटेम्प्रेरी है. चौसर के पीरियड में तीन जो है मुख्य पोइट थे, जोफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गोवर. तो ये पियर्स प्लोमैन जो है ये विलियम लैंगलैंड ने लिखी है. द अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम, यानी कि सबसे पहले, सबसे पुरानी जो सर्वाइविंग यानी कि उपलब्ध अवेलेबल जो इंग्लिश पोएम है वो बियोवल्फ है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, जोफ्री चौसर. द मिडल एज वॉज हेल्ड टू बिगिन इन इंग्लैंड विद. मिडल एज की शुरुआत इंग्लैंड में कब हुई? द नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद, जब नॉर्मन ने फ्रांस का जो वो विलियम नॉर्मैंडी था उसने जब उन जो आक्रमण किया था इंग्लैंड के ऊपर, तब से. विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी. अच्छा, हु लेड द नॉर्मन कन्क्वेस्ट. हाँ, तो ये कन्क्वेस्ट किसने किया था? विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी ने, जो एक फ्रेंच था. तो 11th, नेम ऑफ द एलिगी रिटन बाय चौसर ऑन द डेथ ऑफ ब्लेंच द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट. तो ये थी द बुक ऑफ द डचेस. व्हेन डिड द जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स कंपोज, 1387 में, जो कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग लिखा गया था 1387 में. द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर हु सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन 1476, कैक्सटन. तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इन विच ईयर द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन इंग्लैंड, 1476 बाई कैक्सटन. ए शॉर्ट ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर स्टोरी इन वर्स ऑफ अननोन ऑथरशिप इज कॉल्ड ए बैलेड. मतलब बैलेड एक पोएम होती है जो फोर स्टैंजा पोएम होती है और इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी बी. और इसमें ये एक पोएम होती है जिसके थ्रू एक स्टोरी बताई जाती है और इसका कोई ऑथर, कोई नॉन ऑथर नहीं होता. तो गीत के रूप में एक कथा, जब एक पोएम के रूप में कोई स्टोरी सुनाई जाती है तो उसको बैलेड बोलते हैं और अननोन ऑथरशिप का वर्स होता है ये. हु रोट ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेबल. ट्रीटाइज होता है एक तरह से निबंध, ऐसे जिसको बोलते हैं निबंध. और एस्ट्रोलेबल होता है, एस्ट्रोलेब होता है जैसे ये एस्ट्रोनॉमी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यंत्र होते हैं, उनके ऊपर कोई निबंध लिखा है. किसने लिखा है? वो चौसर ने. कन्फेशियो एमेंटिस इज द वर्क ऑफ गोवर. तो मैंने बताया था जॉन गोवर, ये चौसर का कंटेम्प्रेरी है. जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड और चौसर, ये तीनों कंटेम्प्रेरीज हैं. द मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन. मैग्ना कार्टा जो है एक चार्टर है, जो रॉयल चार्टर ऑफ राइट्स, राइट्स का एक चार्टर था जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने जारी किया था. तो ये हुआ था 1214 में. हु डिड स्टार्ट द 100 ईयर्स ऑफ वार विद फ्रांस. ये जो 100 सालों की सीरीज चली थी वार की, वो किसने स्टार्ट की थी? एडवर्ड 3 ने फ्रांस के साथ. विच अमंग दीज वॉज रिटन बाई चौसर अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस. द लीजेंड ऑफ गुड वूमेन, यानी कि जो चौसर था उस टाइम, ये फ्रेंच और लैटिन, इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच और लैटिन जो लैंग्वेज थी इनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. तो इटालियन में जो चौसर के वर्क हैं वो फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं. तो इटालियन इन्फ्लुएंस में जो उसने लिखा है द लीजेंड ऑफ गुड वूमेन.
विच इंसिडेंट इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द रिनेसांस इन इंग्लैंड, जो पुनर्जागरण जब इंग्लैंड में शुरू हुआ था वो किस घटना के साथ शुरू हुआ था? एंड ऑफ वार ऑफ रोजेज, जो वार ऑफ रोजेज थे उनके एंड के साथ ही। वार ऑफ रोजेज भी ये एक वार्स की सीरीज थी जो मोर देन ए सेंचुरी चली थी, यानी कि 100 सालों से भी ज़्यादा तक चली थी। तो जब उनका एंड हुआ तो इंग्लैंड में फिर पुनर्जागरण हुआ। इन विच ईयर डिड द वार ऑफ रोजेज एंड, तो ये वार ऑफ रोजेज कब एंड हुए थे? 1485 में, और 1485 में। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड एंड? 1485 में। और ये देखो, ये जो ये बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड है ये लास्ट वार था, लास्ट बैटल था वार ऑफ रोजेज का, इस सीरीज़ का ये लास्ट बैटल था जो 1485 में एंड हुआ था। और इसके साथ ही वार ऑफ रोजेज की जो ये सीरीज़ थी ये भी एंड हो गई थी। और विच पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज द हाइट ऑफ इंग्लिश रिनेसांस, तो इंग्लिश में, इंग्लैंड में पुनर्जागरण का जो पीरियड है वो कौन सा माना जाता है? 1550 से 1600 तक। विच वर द डोमिनेंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश रिनेसांस? लिटरेचर एंड म्यूजिक, आर्ट फॉर्म लिटरेचर एंड म्यूजिक, म्यूजिक और लिटरेचर के जो थी आर्ट फॉर्म से ज़्यादा डोमिनेंट थी उस समय में।